तो मोकामा में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं। मोकामा विधानसभा के पंडारक में डिप्टी सीएम तेजस्वी की जनसभा है, जहां वे लोगों को संबोधित करेंगे और महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थन में वोट मांगेंगे। संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मोकामा में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंचे हुए प्रचार प्रसार के लिए, क्या कुछ जानकारी है मनोज? अशोक जी देखिए, निशु बिहार में दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा, और आज दोनों विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के जो प्रमुख नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दौरा आज दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है। और यहाँ आज सबसे पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्रों से तैयारी शुरू हुई है। अभी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दो जगहों पर आरजेडी का यह चुनावी प्रचार है, और सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं मोकामा के घोसबड़ी जो टाल एरिया है, उसके बाद यहां पे हम पंडारक में आएंगे और देखिए कि यह मंच सज गया है और इस मंच पर सभी नेता यहां पे पहुंचे हुए हैं और यहां और अब तेजस्वी प्रसाद यादव का इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अधिकांश नेता और विधायक यहां पे पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मंच सज चुका और कुछ देर में ही तेजस्वी यहां पे पहुंचे हैं, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये कुछ देर में तीनों जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो तीनों नेता यहाँ पे संबोधित करेंगे चुनावी सभा को। चूंकि आज चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अधिक से अधिक चुनावी सभा को संबोधित कर लें, और यही वजह है कि मोकामा विधानसभा में दो जगह पे चुनाव प्रचार रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ देर में यहाँ पे तेजस्वी पहुँचे हैं। हमारे साथ भाई वीरेंद्र है, प्रवक्ता भी हैं और पार्टी आइए प्रवक्ता भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुखर विधायक रहे हैं यहाँ पे, वो हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम भाई वीरेंद्र हैं हमारे साथ, अरे वहाँ नहीं बैठिए, वहाँ नहीं बैठिए, भाई वीरेंद्र है हमारे साथ। हाँ, और अब हम इनसे ही सीधे बात करते हैं, हम बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? यहाँ मोकामा की जनता ने तय कर लिया है और हर जाति बिरादरी के लोगों ने तय कर लिया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार नीलम देवी को जिताना है। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ में माहौल है, पूरे देश में बन रहा है, दोनों जगह हम महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, और यहाँ के लोगों ने तय कर लिया कि नीलम देवी को जिताना है, बीजेपी का जमानत जब्त करवाना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं आए, वो जानते हैं कि दोनों सीटों पर चुनाव बीजेपी जीत रही है। अब कोई उनके पास को मुद्दा नहीं, तो क्या मुद्दा उठाएंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी की आप देखिए, चोट लगी हुई है, आज भर्चुअल भी यहाँ से होने वाला है, तो सब पता चल जाएगा कि वो क्या कर चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, और दोनों सीट पर हमारा समर्थन है, उम्मीदवार भी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार समर्थन किस बात का, तो समर्थन दे ही रहे हैं, और उनके सारे लोग, सभी दल के लोग लगे हुए हैं, चुनाव जीतेंगे। आप कई दिनों से मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किए? हाँ, एक हफ्ते से मैं हूँ, और हर जाति बिरादरी के लोग यहाँ मैं गया हूँ। यहाँ के लोगों ने कसम खा लिया कि पिछले बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताने का काम करेंगे नीलम देवी को। चूंकि आनंद सिंह के बारे में लोग कहता था क्या क्या, लेकिन यहाँ जब मैं घूमा तो आनंद सिंह के बारे में लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे आदमी हैं और हर जाति के लोगों को मिलाकर चलने का काम करते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने फिर चिराग पासवान को भी ले लिया यहाँ, खास करके पासवान समुदाय के लोगों का भी अच्छा वोट है। चिराग पासवान आए चाहे कोई भी आवे,
यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ सब लोगों ने तय कर लिया है। और चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों के आइकॉन है, बिहार के नहीं देश और दुनिया के नौजवानों के आइकॉन है, इसलिए हर नौजवान चाहे जिस जाति का हो वो तेजस्वी यादव को चाहता है और उनके कहने पर नीलम देवी को लोग वोट दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये है भाई वीरेंद्र, हम ये इनका दावा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के दौरे का जो है सो असर पड़ेगा और यहाँ पे ये सीट जो है सो जीते। हमारे साथ विधायक हैं, हम क्या आपने भी दौरा किया है इस इलाके का, क्या लगता है आपको? बीजेपी लगातार कह रही है कि यहाँ पे महागठबंधन का कैंडिडेट हार रहा है, इसलिए नीतीश कुमार इस चुनाव क्षेत्र में आने। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नजर नहीं आती है, यहाँ 90 बनाम 10 की लड़ाई है। 90% लोग महागठबंधन के समर्थन में हैं और ये सारे जो जनसैलाब है ये बतला रहा है कि हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। मैं तो इस इलाके के गांव-गांव में गया और जहाँ जहाँ गया लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया और ख़ास करके गरीब दलित पिछड़े लोग जो हैं उनका एक बहुत बड़ा विश्वास आनंद सिंह जी में है और वो विश्वास का प्रकटीकरण आपको चुनाव में दिखाई पड़ेगा। हम लोग लंबे मतों के अंतर से ये चुनाव जीतेंगे। ये है यहाँ पे तेजस्वी यादव, ललन सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा हैं। लगता है कि इनके आने से फिर फिजा बदलेगा क्या? जरूर बदलेगा। तेजस्वी जी जब आ रहे हैं तो नौजवानों के आइकॉन हैं बिहार के, उनके प्रति लोगों का एक बहुत बड़ा जन समर्थन है और उनके आने से, और चूँकि ललन सिंह जी जो हैं यहाँ के स्थानीय सांसद भी रहे हैं, इसलिए दोनों स्थिति में यहाँ पे दोनों को आने से काफी राजनीतिक लाभ मिलेगा और हम लोगों का वोट का इजाफा होगा। धन्यवाद। तो इस तरह से आरजेडी के जो नेता हैं उन नेताओं का दावा है कि यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग के बहनोई हैं। कल तक ये साधु पासवान भी चिराग के साथ रहा करते थे, आज दोनों का अलग अलग मोर्चा है। चिराग एक बार फिर एनडीए के साथ चले आए हैं और उनके बहनोई जो हैं तो महागठबंधन के साथ। क्या कहेंगे, चिराग पासवान ने भी चुनावी दौरा शुरू कर दिया, क्या चिराग पासवान जी का जख्म भर गया? जो कुछ माह पहले जिस तरह बीजेपी के लोगों के द्वारा उनके स्वर्गीय पिता और देश के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति फेंका गया और बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह मूर्ति फेंका गया, उस समय चिराग जी क्या कर रहे थे? आप तो उनके पक्ष में थे चिराग, लेकिन चिराग तो आपको भी साथ छोड़ करके चले गए। नहीं, वो हमारा पारिवारिक रिश्ता है चिराग जी से, चिराग जी, लेकिन राजनीतिक रिश्ता हमारा बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस तरह मोकामा में मैं यहाँ नामांकन के समय से नीलम देवी के पक्ष में प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ का पासवान जो खासकर जो वोट है किसी के कहने पर बीजेपी के पास नहीं जाएगा, चाहे कोई कितनों नाक लगर ले, क्योंकि मैं पासवानों के बीच मैं कैंप कर रहा हूँ। किस आधार पर वोट देगा बीजेपी को? वही बीजेपी ने रामविलास पासवान का मूर्ति उखाड़ने का काम किया, वही बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंकने का काम किया। लेकिन अब पारस जी और चिराग दोनों मतलब चाचा भतीजा फिर एक साथ आ गए, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, इस पर हमसे ज्यादा जवाब तो चिराग जी और पशुपति कुमार आदरणीय पारस जी देंगे। क्या लगता है आपको इस चुनाव परिणाम क्या बताएगा मोकामा? ये निश्चित तौर पर मोकामा किसी भी कीमत पर हम लोग जीतेंगे। सभी जाति धर्म के लोग इस बार केंद्र सरकार को बदलाव चाह रही है। ठीक है, तो ये है साधु पासवान और ये चिराग पासवान के बहनोई हैं। तो ये नज़ारा है, इस नज़ारे को आप देख लीजिए कि क्या हाल है यहाँ पे। और वहाँ पे ये 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 कह सकते हो कि यहाँ जो स्थिति है वो स्थिति काफ़ी बदली हुई है, यहाँ का नज़ारा बदला हुआ है, नज़ारा बदला हुआ है और यहाँ जो स्थिति है वो ये कह सकते हो कि इस जगह पे जो है सो आम जनता की भीड़ जुटी हुई है, महागठबंधन के समर्थक जुटे हुए हैं, आरजेडी के समर्थक जुटे हुए हैं और ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि यह चूँकि उनका इलाका रहा है, माई समीकरण का ये इलाका है और ख़ास करके ये मेकरा और पांडारक का जो इलाका है वो यादवों की
बस्ती रही है और यहाँ से एक कभी आरजेडी के खिलाफ में लल्लू मुखिया चुनाव लड़े थे, तो तेजस्वी के यहाँ के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं जो स्वजातीय वोट है उस स्वजातीय वोट को एकजुट किया जाए और जो 3 नवंबर को चुनाव होना है उस चुनाव में एक एक वोट महागठबंधन की झोली में और खास करके आरजेडी उम्मीदवार के झोली में जाना जाए, इसलिए तेजस्वी यादव का ये कार्यक्रम है। जी जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मोकामा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियां मोकामा में पहुंच रही है, अपनी अपनी जीतों का दावा कर रही है और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही है।